खबर दें, कराची कंपनी के इलाके में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस अहलकार नाके पर मामूल की चेकिंग पर मामूर थे। दौरान चेकिंग मोटरसाइकिल सवार दो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक अहलकार शहीद हो गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों दहशतगर्द हलाक हो गए। कराची कंपनी के इलाके में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस अहलकार नाके पर मामूल की चेकिंग पर मामूर थे। दौरान चेकिंग मोटरसाइकिल सवार दो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक अहलकार शहीद हो गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों दहशतगर्द मारे गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आतिफ शहजाद से। जी आतिफ, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि थाना कराची कंपनी के इलाके में दहशतगर्दों की पुलिस अहलकारों पर फायरिंग। पुलिस अहलकार नाका जिलानिया पर मामूल चेकिंग पर मामूर थे कि दौरान चेकिंग मोटरसाइकिल पर सवार दो दहशतगर्दों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक पुलिस अहलकार हलाक हो गया और जबकि दो पुलिस अहलकार शदीद जख्मी हुए। आपको बताते चले कि पुलिस ने एक दलाराना मुकाबला किया है और दो दहशतगर्दों को मौके पर ही जहन्नम वासिल कर रही है। आपको बताते चले कि दो पुलिस अहलकारों में रोज अमीन और राशिद जख्मी हुए, जबकि फायरिंग से एक पुलिस अफसर जो मुनव्वर शहीद हो गए, जो मौके पर ही शहीद हो गए। और आपको बताते चले कि आईजी इस्लामाबाद एहसन यूनुस पहले मौके पर गए, जय कुआ के मौके पर गए, उसके बाद हयादत करने के लिए फिर अस्पताल में पहुंच चुके हैं जहाँ जख्मी पुलिस अहलकारों की हयादत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ शहजाद, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची कंपनी के इलाके में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस अहलकार नाके पर मामूल की चेकिंग पर मामूर थे। दौरान चेकिंग मोटरसाइकिल सवार दो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक अहलकार शहीद हो गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों दहशतगर्द हलाक हो गए।